नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल शहर में आए दिन पुलिस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते दिखाई देती है। वह नागरिकों को आए दिन आवश्यक सूचनाएं देती है, फिर भी भुसावल शहर में ना तो अतिक्रमण कम हो रहा है और ना ही बाजारों में रास्तों पर लगाए गए रस्सियां व पाल कम हो रही हैं, जिसकी वजह से आज सुबह करीब 10 बजे बाजार परिसर में एक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक गौसिया नगर निवासी जावेद शेख अपनी दो पहिया वाहन से बाजार से गुजर रहे थे कि बाजार में अपना व्यापार करने वाले नागरिकों ने रास्तों के बीच रस्सियों से पाल बांधी हुई थी। इसी बीच रस्सी टूटने के कारण रास्ते से गुजर रहे जावेद शेख के गले में फंस गई। वह जावेद शेख के गले पर काफी निशाना गए और जावेद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तभी जावेद को खाजगी अस्पताल में ले जाया गया व उसका इलाज चल रहा है। वहीं नागरिकों का कहना है कि अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? अब ये सवाल सामने आता है। उम्मीद हो कि रास्ते के सभी रस्सियां व अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भुसावल के अंदर भुसावल नगर पालिका और पुलिस प्रशासन आए दिन जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई करते रहती है और उस कार्रवाई के बाद में भी कुछ लोग दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं। ये अतिक्रमण की वजह से ही आज भुसावल शहर में बाजार के अंदर एक नौजवान को जो है पाल की बंधी हुई रस्सी जो थी वो उसके गले में अटकने की वजह से उसको फांसी लगते लगते वो बच गया और जिसकी वजह से उसके गले पे निशान आ गए और उसकी हालत डॉक्टरों ने थोड़ी सी सीरियस बताई है। पहले तो उसके लिए दुआ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए और मैं नगर पालिका प्रशासन और बाजार पेट पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि बाजार परिसर के अंदर जो पाल बांधे थे जो पालों की रस्सी की वजह से ये हादसा हुआ, कल को कोई दूसरा हादसा ना हो, या तो वो पाल हटाए जाए या तो वो रस्सियों की हाइट जो है वो ऊंची की जाए जिसकी वजह से दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। और मैं फिर दोबारा ये गुजारिश करूंगा उन पाल वाले लोगों से भी कि वो अपनी पालों को हटा ले, उसकी जगह छतरियाँ लगाए ताकि ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी की जानी नुकसान ना हो पाए।